नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2022 में बेहद ही शानदार आगाज किया। टूर्नामेंट का जब 14वां मैच केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, तो इस मैच में केकेआर ने एक तेज गेंदबाज को जगह दी, जिसके बारे में आप शायद बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आते हैं ये तेज गेंदबाज, जिन पर बैन भी लगा चुका है बीसीसीआई, और अब उन्हें केकेआर ने अपनी टीम में मौका दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज रशिक सलाम डार, जो कि इस मुकाबले में खेलने उतरे और उन्होंने अच्छी और ठीक ठाक गेंदबाजी की, हालांकि आप इनके नाम से ज़्यादा परिचित नहीं होंगे, लेकिन इस मैच के बाद अब उन्हें लोग जानने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने विकेट भले नहीं चटकाया लेकिन गेंदबाजी अच्छी की, प्रभावित किया उन्होंने अपनी रफ्तार से। वो केकेआर की ओर से खेलने से पहले मुंबई इंडियंस की टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं पिछले आईपीएल में, तो ये दिलचस्प किस्सा है उनकी ज़िंदगी का। लेकिन मौजूदा सीजन से पहले जब ऑक्शन हुआ, तो केकेआर ने इस 22 साल के लड़के को 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रसिक पर धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है, जिसके लिए उन्हें बैन भी झेलना पड़ा था। बता दें कि बीसीसीआई ने साल 2019 में बर्थ सर्टिफिकेट में धोखाधड़ी के मामले में रसिक सलाम डार पर 2 साल का बैन ठोक दिया था। वो अंडर 19 भारतीय टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद उनके खेलने को लेकर संशय लगाया जा रहा था, लोग कह रहे थे कि उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन यह खिलाड़ी अब केकेआर के लिए डेब्यू कर चुका है। उन्होंने अब तक जो मुकाबले खेले हैं घरेलू क्रिकेट में, उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं वहां पर और कुल 53 के औसत से 4 विकेट भी लिए हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन 38 रन देकर 3 विकेट रहा है, और जिस तरीके से अब उन्होंने डेब्यू किया है, अपनी रफ्तार से उन्होंने प्रभावित किया है, लेंथ भी उनकी ठीक ठाक दिख रही है, उम्मीद यही कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अपने पहले मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए आईपीएल में 3 ओवर किए, 18 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सबकी नज़रें अपनी ओर खींची हैं। उनकी ज़िंदगी के बेहद दिलचस्प किस्से रहे कि वो मुंबई की टीम के हिस्से में रहे हैं, फिर इसके अलावा अंडर 19 में बर्थ सर्टिफिकेट में धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें 2 साल का बैन भी झेलना पड़ा। जब लगा करियर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से वापसी की और अब वो आईपीएल में जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। फिलहाल देखना हो आगे कितना मौका केकेआर उन्हें देती है।